भाई ये देखो भाई। ये सारा सामान स्टरलाइजर इतना बड़ा जा रहा है उठ के पैक होने। भाई कितनी बड़ी मुसीबत है ना, अशर को हम पहली बार पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं, पहाड़ों पे ठंड होगी, पता नहीं कैसा वेदर होगा, इतनी सारी पैकिंग। अशर तेरे लिए सब पैक कर दिया। और इसे देखो ये अपना लगा हुआ रेनडियर के साथ खेलने। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज अशर को लेके जा रहे हैं पहाड़ों पे। हमने सोचा अशर को बीचेस दिखा दिए, अशर को अच्छी अच्छी सिटीज दिखा दी, अभी ना पहाड़ बचे थे और हमें तो आपको पता ही है पहाड़ों से कितना प्यार है। हमने सोचा अपने इस क्यूटू को ना पहाड़ों पे भी ले जाए। भाई अपना अकेले एंजॉय कर रहा है, मस्ती में लगा हुआ है। कौन सी स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग क्लासेस नेक्स्ट टाइम। मैं ना सच्ची बता रही हूँ, इसको स्विमिंग का बहुत शौक चढ़ गया है, जहाँ जाता ना ऐसे 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 करता रहता है। मुझे लगता है इसको जल्दी से स्विमिंग क्लासेस में एनरोल कराना पड़ेगा। अभी पैकिंग करते हैं, सब कुछ डन करते हैं। मेरा सूटकेस ऑलमोस्ट पूरा पैक्ड है, हर्ष अशर का नीचे लेके जा चुका है, ट्रिप स्टार्ट हो गया है। बॉस अपनी सीट पे है, हर्ष अपनी सीट पे है, मैं अपनी सीट पे हूँ। भूख लग गई है, नटखट खुल रहा है। अशर की यहाँ पे न्यू कार सीट लग चुकी है, अभी बिग बॉय हो गया ना, तो अब बिग कार फॉर बिग बॉय। ब्रेकफास्ट करने के लिए गाड़ी रोक दी है, हर्ष अभी भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं गाड़ी में, अभी भी बहुत सामान ओवरलोड हो गया है। आई थिंक इस बार हम बहुत ज्यादा सामान लेके जा रहे हैं। ये आ गए हमारे टेस्टी छोले कुलचे। भाई मतलब मैं इतना थक गया ना गाड़ी में, 900 मीटर चलाने के बाद मैंने कहा कुलचे छोले बनते हैं। भाई अब तो कंफर्म हो गया है, कुछ भी करने जाओ अशर का कुछ भी शुभ काम, पहला काम इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है भाई, पहाड़ तो नीचे आ गए सिटी में। अशर भाई बारिश हो रही है कितनी तेज। A few moments later, यहाँ हर्ष को फिर से भूख लग गई है। इतना झूठ बोल रही है। मुझे कॉफी पीनी है, मुझे कॉफी पीनी है, मैकडी लेके चल। तो हम मैकडी आ गए ड्राइव थ्रू। तो हम अशर को रेस्ट दे रहे हैं। और अशर आप कुछ खाओगे बेटा? नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ दूध पीऊंगा, मैं बड़ा होकर खाऊंगा मैकडी का बर्गर। देख रहे हो कितना अच्छा हमारा अशर। मीनवाइल मैकडी का ऑर्डर आ रहा है। ये रही मेरी कॉफी, ये रहा हर्ष का बर्गर। करो भाई करो मजे। बर्गर वर्गर नहीं खाना होता, हम खाएंगे टिंडे, पालक, तोरी, घिया, बेटा सारी अच्छी सब्जियां खानी है हमने। एक काम करेंगे ना, बर्गर लेंगे, उसमें से टमाटर प्याज निकाल के अशर को खिला देंगे। ये भगवान क्या जुलुम है। सही बात है, ये देखो कितना इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ाई कर रहा है गाड़ी में बैठा बैठा, कितनी मेहनत कर रहा है। गुड शाबाश। 2 seconds later, तो भाई अभी करंट सिनेरियो ये है, प्रेरणा गाड़ी चला रही है, अशर अच्छा खासा अपनी कार सीट पे बैठा होता, इतना डर गया, मेरी गोदी में आ गया, कह रहा पापा ऐसा लग रहा है मैं फ्लाइट पे बैठा। वो फ्लाइट में बैठते हैं और फिर वो बेल्ट लगाते हैं ना, मेरी बेल्ट लगा दो। अशर प्लीज आप अपनी कार सीट पे जाओ, माना करो, मम्मी इतनी बुरी भी ड्राइविंग नहीं करती, मम्मी इज अ गुड ड्राइवर, परफेक्ट ट्रेन ड्राइवर, मैंने ट्रेन किया, मैंने सिखाया हूँ, तो आप अपनी सीट पे बैठ सकते हो अशर, वहाँ पे सीट बेल्ट है वो लगा लेना। ठीक है पापा बिठा दो। प्रेरणा की ड्राइविंग स्टार्ट हो गई है और चलते हैं, पहाड़ अभी बहुत दूर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइव करके, इंडिया में ना एक्चुअल में ट्रिप करने में सबसे ज्यादा फनी इस चीज का है, ड्राइव कर सकते हो। हाँ जिससे तू भागती हमेशा। नहीं पर अब अच्छा लग रहा है, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। बढ़िया परांठे और डोसा हमने खाया, मजे इसको आ रहे हैं, तेरे को तो हॉगवर्ट्स में दाखिला मिल गया। अब चलो हर्ष जी चले पालमपुर पहुंचे यार। पक्का पालमपुर पहुंचना है? पहुंचते हैं ना यार, बीच में स्टे ना ले ले यार, निकलते हैं चलते हैं फिर देखते हैं। भाई परांठे खा के ना नींद आ जाती है, सच बता रहा हूँ भाई, हाईवे पे मत सो जाइयो बस। ये हिमाचली ट्रेडिशनल वेलकम है। थैंक यू। ये हुआ ना इसका वेलकम, इसको बहुत मजा आता है। अभी देख रहा है, बहुत क्यूरियस है, सारी चीजें एनालाइज कर रहा है, हो क्या रहा है। हम एक्चुअल में अशर की वेकेशन के लिए जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे उन्होंने इतनी सारी चीजें हमारे लिए कस्टमाइज करके रखी हैं। बर्फी, भाई बर्फी को क्या लिखा है, पिस्टाशियो कंडेंस्ड मिल्क। लावा टेस्ट करके बताओ। हाँ करके बताओ, मैं तो कर ही चुकी हूँ। बहुत टेस्टी है ये, सॉल्टेड कैरामेल, पीनट बटर, फ्रेंच वनीला, मिलेट ग्रेनोला, और यहाँ पे ना पूरा का पूरा क्रिकेट स्टेडियम का जैसे वो टोपी होती है ना वैसा स्कल्पचर बनाया हुआ, और हमारी फोटोज यार कितनी सही, बहुत मेहनत करी है, काफी ज्यादा लग्जरी फील है। और यहाँ पे देखो जिसको हम पहाड़ दिखाने लाए हैं वो खुद पहाड़ जैसा बना हुआ है। भाई कौन सा योगा पोज सीख के आए हो आप अशर जी? मुझे एक बात बता, ये चॉकलेट है? हाँ ये चॉकलेट है। सीरियसली इसको खा सकते हैं? हाँ इसको खा सकते हैं ऑब्वियसली। पक्का खा लूं? खा ले यार। तो अच्छा ये हमारा रूम नंबर 1 है, ये हमारी पर्सनल बालकनी है, यहाँ पे बारिश हो रही है तो थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो रखा है इससे। और यहाँ पे ऊपर जाके एक एटिक रूम है, मैं अभी जा नहीं रही, पर और यहाँ पे एक और रूम है हमारा, बढ़िया है। इस रूम से पूल व्यू है, वो हीटेड पूल है इनका, वो दिखता है यार, आप भी आ सकते हो, और आया बहुत सुंदर लोकेशन है। तो गाइस जैसा हम चाहते थे कि अशर को वो पहाड़ों वाली फील आए,
बिल्कुल यहाँ आने वाली है, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आगे आगे क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या फन, क्या क्या चैलेंजेस होने वाले देखने में आपको बहुत मजा आएगा। चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं। और यहाँ पे अशर को हर्ष पहाड़ों की वैल्यू समझा रहा है। भाई ये इतने ध्यान से पहाड़ों की पीक देख रहा है, कह रहा है पापा एक दिन में सारे पहाड़ चढ़ूंगा मैं, माउंट एवरेस्ट जाऊंगा। भाई वेदर इतना अच्छा है ना, मैं एक्चुअल में नहीं आता बट अशर के बहाने से इसको पहाड़ दिखाने के लिए हम आ गए हैं। हम अभी लंच के लिए आए थे और अभी भी अशर सर सो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है, क्या है इसके अंदर, क्या होने वाला है, करो इसको अनफोल्ड। हाँ भाई करो। 1 2 3 ओ ये तो चाट है, चाट और इसके नीचे दाल है, स्पेशल दिल्ली वालों के लिए। भाई ये देख रहे हो मैं तो खाना खा रहा था बट ये अशर उसकी मम्मी उठ के चले गई, क्या देखे जा रहे हो बार बार तुम। हम यहाँ खाना खा रहे हैं, अशर को माउंटेन्स दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, और मुँह में क्या है फिर? वो देखो माउंटेन्स कितने सुंदर हैं, बड़े बड़े, एक दिन बड़े होके आप ये माउंटेन्स पे चढ़ना। यार तो अशर यहाँ पे आके हैमॉक पे लेट गया और इसे इतना मजा आ रहा है, तो एंजॉय कर रहा है। तो ये देख रही है हैमॉक की प्लेसमेंट, मुझे लिटाए रखो इस पे, सामने देख धौलादार दिख रही है। ये सिर्फ माउंटेन्स देखने आए अशर, ये अपने पापा की तरह माउंटेन बेबी है। हर्ष ऐसे थक गया था तो फिर निशा हमारी हेल्प कर रही है माउंटेन्स दिखाने में अशर को। अशर, अरे अशर मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है, कह रहे पापा रोज मुझे माउंटेन्स दिखाया करो। भाई तो यहाँ पे मॉर्निंग योगा सेशन हो रहा था, ये एक्टिंग करते हुए हर्ष बहुत ही बड़ी एक्टिंग करते हैं, ये टीचर निशा जी ये भी एक्टिंग कर रही है, सही से कर रही है। एक्चुअली में ना तू लेट है, योगा खत्म हो चुका है पता है मेरे को, बट बहुत अच्छी योगा कराते हो यार। अशर एक्चुअल में बांसुरी की आवाज सुन के सो गया, इतनी अच्छी फ्लूट बजा रहे हैं यार। योगा तो अशर ने करना था, आया था अशर योगा करने के लिए और वो सो गया और हम यहाँ पे धूप में मजे कर रहे हैं। मुझे भी उठा दिया इन सब ने सुबह सुबह, नहीं तो मॉर्निंग ड्यूटी हर्ष की होती है पता है, संभालने की अशर को। कल ना मैं बहुत थक गई थी रात को यार, इतनी ड्राइव करके हम पहुंचे अराया और इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा होटल है, मैं चलते चलते थक गई एक रूम से दूसरे रूम पर, पता नहीं अशर उसके पापा कहाँ है। बड़ा मजा आ रहा है यार, क्या ब्यूटीफुल मॉर्निंग है भाई। अशर कहाँ है? उसके पापा तो पहाड़ों पे आके अनार खा रहे हैं, ये पता मैंने फ्रेशली पेड़ से तोड़ के खाया है। अरे झूठे ये बता, पर अशर कहाँ है, मुझे अशर क्यों नहीं दिख रहा? अबे अशर तू डायनासोर बन के बैठा हुआ है आज, भाई ठंड हो रही है, इसके ठंड वाले कपड़े तेरे को याद है कपड़े प्रेरणा जापान से लिए थे ना? फाइनली अशर को ये कपड़े आ गए, हमारा डायनासोर रेडी है। और यार ये तो कहर ढा रहा है, क्यूटी डायनासोर बिल्कुल माउंटेन्स वाला बॉय बन गया, एकदम तैयार है आज ये माउंटेन्स कॉन्कर करने के लिए। पता है इतना अच्छा लग रहा है, दिल्ली में इतनी गर्मी थी 35-40 डिग्री टेम्परेचर, इसको काला टिक्का लगाओ नजर न लग जाए। हाय मेरा क्यूटी पटूटी, यहाँ पे 20 डिग्रीज है पता है। और सच में क्या ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, अभी चलते हैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम ब्रेकफास्ट कहाँ करने वाले हैं। पहाड़ों पे लेके आए हैं अशर को, पहाड़ों वाली ब्यूटीफुल मॉर्निंग में आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट कहाँ करना है। और आज पूरी सारी एक्टिविटीज करेंगे, अशर को लेके जाएंगे एक पिकनिक पे माउंटेन्स के बीच में, चारों तरफ माउंटेन्स होंगे, बीच में अशर होगा, मैगी बनाएंगे। मैं सारा सरप्राइज अभी क्यों गिव अवे कर रही हूँ, चल यार हर्ष रेडी हो जा, अशर के साथ खेलूंगा। ये डायनासोर हमसे बातें कर रहा है, बातें कैसी बातें कर रहे तू हमसे? मम्मी पापा बोर मत करो, मुझे बताने दो टॉप सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस वीक। अगर आपको भी बनना है टॉप सब्सक्राइबर तो आपको बताना आपको माउंटेन ज्यादा पसंद है या बीचेस। रक्षित, अक्षिता, मित्रा एंड संपदा। अश्री पश्री डिलीशियस, हंस के तो दिखा दे मेरे डायनासोर, मेरे क्यूटू। अरे खाना खिलाओ, बोर मत करो, चलो इसको आदत पड़ गई है मुंह में हाथ करके रखने की पूरे टाइम। चलो चलो कह रहे है, बातें मत करो, खाना खिलाओ खाना। भाई पता क्या हो रहा है, सारा ब्रेकफास्ट का सेटअप हमने कराया है अपनी बालकनी में, प्राइवेट टेरेस में, क्योंकि आपको पता है अशर का रिश्ता ना इंद्र देवता से अलग ही है, बारिश ही हुई जा रही है। चले तो बारिश आई, होटल पहुंचे तो बारिश आई। ये दिखा लैंप, मेरे को लगता है इसका बड़ा अच्छा रिएक्शन आएगा, इस पे लैंप पे बड़ी सारे वो गिर रहे हैं ना, ऐसे इसके रिएक्शन देखने में तो मजा आता है नई नई चीजों पे। अब देखो ऊपर क्या है, सिंह से लग रहा है। नहीं नॉट इंटरेस्टेड, कह रहे पापा मुझे नहीं पसंद आया लैंप, चलो चलो खाना खिलाओ, बालकनी बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो सारा खाना चट कर दिया, अब पहाड़ों वाली चाय पीने का टाइम आ गया है, क्या जबरदस्त धुएं निकल रहे हैं, मजा ही आ गया। और क्या ही ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट हुआ आज हमारा, देख रहे हो क्या व्यू है। और ये बालकनी है, चलो आपको दिखाते हैं हमारा सेटअप क्या है आज। काश अशर ये सब खा पी पाता यार, योर माय गॉड, इस व्यू के लिए तो लेके आए थे हम अशर को यहाँ। मुझे क्या लग रहा है प्रेरणा, इसको ना माउंटेन ज्यादा पसंद, जस्ट लाइक हिज डैड। मुझे पहले बीचेस ज्यादा पसंद थे, पर अब यार जो पहाड़ों में सुकून मिलता है ना,
क्या व्यू है यार यहाँ से अराया से, ना मजा ही आ गया। लवली सेटअप। अशर देखो पहाड़ माउंटेन। अशर रेडी होके आ गए और कह रहे हैं माउंटेन इतने सुंदर लग रहे हैं, मुझे पिकनिक पे लेके चलो। पर हर्ष कह रहे हैं मुझे तो स्विमिंग पूल में जाना है। भाई हीटेड पूल है, मैंने कहा इसके लुफ्त उठाते हैं। अशर को नहीं करा सकते मेरे ख्याल से, है ना? नहीं करा सकते, वो तो बाबा बना हुआ है वैसे भी, क्योंकि बाहर आते ही ना फिर उसको ठंड लगेगी। हाँ एग्जैक्टली, देख रहे हो मिस्टर हीरो को कैसे आराम से बैठा हुआ लुत्फ उठा रहा है, क्या बात है। बाहर बैठे हैं आराम से और हर्ष वहां पे मजे कर रहा है पूल में। अब हर्ष आ चुका है फाइनली तैयार होके। अशर कोई चीज दिखाता हूँ। अशर मैंने देखा एकदम इसको मॉकटेल पीने की कितनी वो हो रही है क्रेविंग, जल्दी ये गिरा देगा। हमने बहुत रील्स देखे है तो बच्चे गिरा देते हैं सब कुछ। कितने ध्यान से मॉकटेल को देख रहे हैं कि दे दो बस मुझे, डूबा हुआ है उसमें। क्या चाहिए देखो, मॉकटेल चाहिए। अभी से पता लग गया कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब नहीं पिएगा। दू 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 दू। चलो इसको लेके चलते हैं पहाड़ों की पिकनिक। चलो भाई पिकनिक टाइम हो गया, पर उससे पहले हम जल्दी से अपने प्लेटर खा लेते हैं, बहुत डिलीशियस लग रही है। फाइनली निकल पड़े हैं पिकनिक मनाने। अशर बाबू जी तो यहाँ पे बढ़िया मजे से सो रहे हैं अपना डायनासोर बन के, और हम थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके जा रहे हैं। आगे वो हमारी गाड़ी है जो हमें कैंपिंग कराने वाली है, मजा आएगा। पहुँचते हैं खड्ड में जा रहे हैं। खड्ड खड्ड या ठड? खड्ड कहते हैं नदी जो होती है ना। गाइस आप बताओ कमेंट्स में क्या बोलते हैं। तो आज का प्लान यही है, खड्ड में पैर डाल के आराम से रिलैक्स करेंगे, मैगी खाएंगे और नदी और पहाड़ों के नजारे देखेंगे। ऑलराइट भाई, तो रिवर कैंपिंग के लिए एक्चुअल में ना कितने सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके जाने पड़ रहे हैं। और अशर वहाँ पे डर रहा है, रू रू कर रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ लेके जा रहे हैं। कहाँ है भाई, अशर की शक्ल तो दिखाओ। ये चमन भैया लेके आए हैं इसको, कह रहे मैं इसको ध्यान रखूंगा। ये डायनासोर की शक्ल देखो भाई, तेरे को माउंटेन्स में देख ले कहाँ पे हम करा रहे हैं रिवर साइड फन। पापा पकड़ लो, रो रहा हूँ मैं। तो आदित्य इज प्रिपेयरिंग टी हमारे लिए और वहाँ पे हमारे लिए एक्सल टीम बना रही है मैगी। तो चलो मैगी देख के आते हैं यार कैसी बन रही है। हर्ष तेरे को नहीं मिलेगी मैगी, तो बताओ कौन कौन क्या क्या बना रहा है हमारे लिए। चमन भैया मैगी बनाने लगे हैं, क्या बिल्कुल ही देख रहे हो, एकदम रिवर साइड पे बैठ के अब हम मैगी बनाने वाले हैं। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे यार, तुम लोगों ने अच्छी लोकेशन स्काउट करी है। चलो देखते हैं कैसा, ऐसा ही रहे मौसम बस ना। अलग ही फील है यार यहाँ बैठ के ना। सही में यार इसको भी बहुत मजा आ रहा है। हमने सबने यहाँ पे ट्रेडिशनल हिमाचली टोपी पहन ली है और मैं देख रहा हूँ इसके साइज की टोपी यार। एग्जैक्टली देख लो। अशर चाय भी पी लो हमारे साथ। भाई वो दूध पिएगा। चीयर्स दूध पी लो। कह रहे मेरे भी पैर डिप कराओ पानी में, तभी तो मुझे मजा आएगा। नहीं 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 पानी ठंडा है, ये रिस्क नहीं लेना। ये रिस्क लेने का ही नहीं है हमें, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पापा और बेटा बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। अशर अभी रो रहा था, कह रहे नहीं मैं कोक पीऊंगा, कोक का कैन ही नहीं छोड़ रहा था। अभी बहुत टाइम है। इसको नींद आई हुई है। मुझे भी नींद आ रही है यार। पता है ये म्यूजिक कैसा है, मेरे को उसकी याद आ गई फिर से, मसाज की। मेडिटेशन में होता ना, हम एक्चुअली फोन में ना वो चलाते हैं कि भाई सो जाए, मेडिटेशन हो जाए। चमन भैया हमारे लिए मैगी बना रहे थे, तो मैगी रेडी हो गई है, थोड़ी डिलीशियस लग रही है भैया। और अब है मैगी ईटिंग टाइम, अशर का स्लीपिंग टाइम और ये ब्रो खा रहा है। A few minutes later. और डिनर एंजॉय करते हुए संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अशर की वेकेशन तो खत्म हो गई है माउंटेन्स में। आज मैंने इसको जाते जाते देख रहे हो आई लव मामा की ड्रेस पहनाई है। पापा की तो मैंने खरीदी ही नहीं। कैची लगी देखो अपनी हॉलीडे अशर? देख पता है ये ना दुनिया का दस्तूर है, लोगों को बताना पड़ता है जिससे वो प्यार नहीं कर रहा होता। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अंगूर खट्टे हैं। उसका दिल से कनेक्शन है मेरे से। ठीक है जो भी है। अशर अशर तुझे मजा आया तेरी हॉलीडे पे? अरे जाओ ना मुझे मजे करने दो। अच्छा ठीक है बाय। रोके कह रहे नहीं आया नहीं आया मजा मुझे। और रहना है मुझे, मुझे नहीं जाना। कह रहे मुझे अब बीचेस पे जाना है, माउंटेन्स हो गए। बहुत डिमांडिंग हो रहा है तू। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।